और अपने गुरु की, ये आप प्रवाह ना आपकी करते हैं ना गुरु की, आप आते हैं तो गुरु चरणों में आना है, आना ही है। मैं आप सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें और जीवन की उस दिव्यता को प्राप्त करें जिससे जन्म सार्थक बनता है, या जन्म की सार्थकता प्राप्त होती है। हमारी जन्म की सार्थकता, मैं तो नहीं जानता कि बहुत सारे ऋषियों ने, वेदों ने मोक्ष, मुक्ति आदि बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया है। मेरे लिए गुरु के वचन ही मोक्ष है, मुक्ति है, सब कुछ है। और मेरे गुरु ने जन्म लेकर एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था सिद्धाश्रम साधक परिवार। वो कहते हैं कि सिद्धाश्रम पहुंच जाओ, आपका मुक्ति, मोक्ष, मेरे चरण, मेरी प्रेम, सब कुछ वही है। और हम सिद्धाश्रम पहुंचने की क्रिया हमारे जीवन में कहाँ तक किए हैं और कहाँ तक कर रहे हैं, है हम जाने। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम जाएंगे, हम हारेंगे नहीं, हम जरूर जीतेंगे, हम जरूर सिद्धाश्रम की ओर जाएंगे ही जाएंगे। चाहे कितनी भी अड़चने हमारे जीवन में आए, कितनी कठिनाइयां हमारे जीवन में प्राप्त हो, हम आगे बढ़ेंगे। यह हमारे जीवन की गुरु कृपा और गुरु जी की बताई हुई साधनाओं की शक्ति है जो हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहिए। मैंने भी सोचा था कि हम सब लोग, सभी लोगों का कहना है गुरु जी कोरोना वायरस है, इस बार गुरु पूर्णिमा नहीं करेंगे, सिर्फ लाइव प्रचार दे देंगे। मैंने कहा लाइव प्रचार तो देंगे, सही बात है, लेकिन आने वाले को क्यों रोकेंगे? आने वाले को तो रोकेंगे नहीं, जो धैर्यवान हैं, जो लड़ने की क्षमता रखते हैं, जो युद्ध करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें रोकेंगे क्यों? आने दो, हमारे पांच पांडव बस है, हजारों करोड़ों करोड़ों किसी भी अच्छा तो आएंगे और हम उनके साथ जीत कर आगे जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पास करोड़ों की भीड़ हो, मैं चाहता हूं कि पांच पांडव जैसे युद्धा, वीरवान, क्षमतावान, सामर्थ्यवान लोग हो और हम पांच इस संसार को बदलने की शक्ति रखें और उसके लिए हम क्षमतावान हो, हमारे में क्षमता प्राप्त हो। यह एक बहुत बड़ी इच्छा है। देखता हूं अब आज तक हमने सिर्फ कोई भी स्तोत्र पढ़ा, कोई भी मंत्र किया तो केवल यही प्रार्थना करते हैं कि इस मंत्र को करने से मुझे लक्ष्मी प्राप्ति होती है, इस मंत्र को करने से मेरे रोग निवारण होते हैं, इस मंत्र को करने से पुत्र प्राप्ति होती है, इस मंत्र को करने से शादी होती है, इस मंत्र को करने से किसी लड़की को पटा सकते हैं, पटा सकने की बात नहीं है, शादी कर सकते हैं। ऐसी बात हम हमारे जीवन में करते हुए आए हैं, आज तक यही कार्य हुआ हमारा। हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमें, हमारा भी एक देश है, हमारे भी एक पृथ्वी है, हम भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, हमारा जीवन भी उसके लिए कुछ होना चाहिए। हमारे जीवन में यह बात बहुत दूर तक चली गई, इसका हमने कभी विचार भी नहीं किया। लेकिन सनातन धर्म इसकी बात बार बार कहता है कि तुम जियो और औरों को भी जीने दो, और औरों के जीवन में कुछ अन्याय हुआ, उसको कष्ट पहुंचाया, तो तुम खड़े रहने की शक्ति रखो। यह हमने छोड़ दी है। अगर हमारे घर के बगल में भी झगड़ा होता है और कोई मर जाता है तो हम देखने के लिए हिचकिचाते हैं, आज कौन सा वार है यार, शनिवार है, आज प्रेत को देखने नहीं जाना है, ये घर में बैठ जाता है। हमारी ऐसी स्थिति हो गई है क्योंकि हम डरते हैं कि आगे क्या होगा, मेरे जीवन को तो कुछ तकलीफ तो नहीं होगी। इस बात में हमारा जीवन इस प्रकार फंसाया हुआ है। हम जानते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अभी मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में देखा ये कहते हुए कि नास्ट्रेडमस ने 450 साल पहले कहा था कि कोरोना वायरस आने वाला है। किसने सुना? नास्ट्रेडमस ने कहा, किसने सुना? अगर पहले ही पता चलता था तो हमें क्या करना है ये नहीं बताया, कोरोना वायरस आने वाला है ये बताया। उसके ज्योतिष को कौन मानते? वीर ब्रह्मेंद्र सालिकार ज्ञान के ज्योतिष थे, उन्होंने भी कहा कोरोना वायरस आने वाला है। आने वाला है तो उसके बचने का मार्ग क्या है? राक्षस आने वाला है, तूफान आने वाला है, बताया तूफान से बचने का मार्ग क्या है? हम, हमारे गुरु बचने का मार्ग बताते हैं, हम आने वाले उस भविष्य को, दुख को नहीं बताते, हम दुख को नहीं बताते। हम कहते हैं कि हम बचे कैसे, आएगा तो आएगा, तूफान आएगा, राक्षस आएगा, लेकिन उसे बचे कैसे, ये विधान बताने की क्रिया चाहिए, डराने की क्रिया नहीं। कोरोना वायरस आ गया, घर में लोग छुप गए, सारे के सारे भगवान के साथ छुपा दिए, खत्म। अब हम आगे जिए कैसे, क्या करने की प्रक्रिया है कि हम आगे बढ़कर जिए, उसको, उस वायरस को खत्म करें, उस वायरस से लड़ सकें? ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी मेरे पिताजी और दादाजी कहा करते थे, कहते हैं कि 100 साल पहले
प्लेग नाम की एक बीमारी आई थी, तो हमारे हमारे खानदान में हमारे खानदान में काशीराम भट्ट, शिवराम भट्ट जो मेरे पड़ता था, सातवें पीढ़ी के लोग थे, सातवें पीढ़ी के, उनके घर में भी एक गणपति के उपासक थे, गणेश जी के उपासक, उनका नाम था कृष्ण भट्ट, वो गणेश जी के उपासक थे। तो हुआ ये कि जब प्लेग हुआ तो सभी को गाँव से घरों को ताला लगा के घर के बाहर झोपड़ियाँ डाल दी गई और घर के बाहर रहने के लिए बात है कि चूहों को मरने से, चूहों से बीमारी आती है, ये बात फैल गई। सभी लोगों ने ये बात फैला दी कि चूहों से ये बीमारी आ रही है, आप घर छोड़ दो, घर छोड़ देने से आपको ठीक हो, आप ठीक रह सकोगे। तो ये हमारे कृष्ण भट्ट जो गणपति के उपासक थे, बोले मैं गणेश जी का उपासक हूँ और मेरा चूहा उनका वाहन है, ये उसका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे सब लोग बोलते मूर्ख हो गया, क्या मूर्ख हो गया है, चूहा कुछ नहीं, सब लोग मर रहे हैं तो क्या, सब लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं कि नहीं नहीं तू चले जा। तो उसने मैं घर छोड़ के नहीं आऊँगा, मैं मरूँगा भी तो घर में, मैं मेरे गणेश जी की शक्ति देखना चाहता हूँ, गणेश जी में शक्ति है या नहीं, और गणेश जी का वाहन चूहा है तो मैं उसके साथ पूरी तरीके से शक्ति के साथ लड़ूंगा, अगर चूहे से मेरे को मरना ही लिखा है तो मैं समझता हूँ गणेश जी ने मुझे मारा। बहुत लोगों ने समझाया, अरे तेरे वजह से 10 लोग मर जाएंगे, सब कार्य होगा, पूरे गांव छोड़ के चले जा रहे, तो कुछ कर, कितनी बात समझाए उसे नहीं। तो आखिर क्या हुआ कि उनको घर में डालकर लोगों ने ताला लगा दिया, सारा मर जाने दो, इधर सुनता नहीं बात तो क्या करेंगे, इसके वजह से और 10 लोग मर जाएंगे, घर में डालकर ताला डाल दिए। वो बैठ गए, रात में गणेश जी की मूर्ति रखकर गणेश चतुर्थी का पाठ शुरू कर दिया, उन्होंने पाठ शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा कि गणेश जी आप ये बताओ, आप तो चूहे के उपद्रव को रोकने के लिए ही आपने चूहे को अपना वाहन बनाया और आप उतने मोटे होकर चूहे पर बैठ गए, और चूहे का उपद्रव जो धन धान्य खाते थे तो उनको रोकने के लिए आपने चूहे को अपना वाहन बनाया, ऐसा शास्त्र कहता है, लेकिन आज वो चूहे भी बीमारियों के माध्यम से अगर लोगों का नाश कर रहे हैं और आप उसको कंट्रोल करने वाले अधिपति है तो हम डरे क्यों, मैं आपका उपासक हूं, बताओ क्या मार्ग है। कहते हैं कि वो 24 घंटे उपवास के साथ गणेश जी के सामने बैठे रहे और गणेश जी को प्रार्थना करने लगे। तो गणेश जी ने उनको एक दृश्य बनाया, एक सपने में एक दृश्य बताया, क्या कि जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय के नाग यज्ञ में जन्मेजय बैठा था और ऋषि आह्वान कर रहे थे कि उनके घर में सांप के कारण, सांप के डसने से उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो उसने क्या किया, संसार में सांप ही नहीं रहे, अपने ऋषि को बुलाया और कहा कि संसार में जितने भी सांप है वो मेरे यज्ञ के कुंड की आहुति में आके जल जाए, मर जाए, तो सांप कहाँ से रहेंगे। वो दृश्य उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि गणेश जी मुझे क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वो बहुत देर सोचने लगे कि इसका अर्थ क्या है, बोले उनके दिमाग में एक बात सूझी, जब उसको सांप डसने वाला है तो सांप सारे सांपों को यज्ञ की आहुति में खत्म कर रहे हैं, तो ये चूहे से हम मर रहे हैं तो हम सारे चूहों को एक ही जगह ला के मार देंगे, खत्म हो गए, प्लेग ही चले जाएगा, सो चूहों को एक जगह लाना कैसे, किस तरह लाना चाहिए। अब गणेश जी का, हमारे घर में एक बहुत बड़ी बावड़ी थी, कुआं, बहुत बड़ा कुआं था, तो उन्होंने गणेश जी के मोदक बनवाए और कुएं के ऊपर गणेश जी को बिठा दिया और मोदक उसके ऊपर रख दिया, और गणेश जी का मंत्र और चूहे के आह्वान का मंत्र कहते हैं आज भी हमारे गांव के लोग बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं, जो कृष्ण भट्ट है उनने उन चूहों को आह्वानित किया, कहते हैं दूसरे दिन उस कुएं में कम से कम 1500 चूहे मर गए और वे अपने घर में ऐसे ही जिंदे रहे। तो मैं, हमारे विद्वान शेषु जी ब्राह्मण हैं और उदय महाराज जी हैं, महादेव जी है, नागराज है, इन सभी को कहता हूं कि एक ऐसा यज्ञ करो कि वायरस कणों को यज्ञ में डालकर लाके मार दो, काम खत्म हो गया, चेतना केंद्र का नाम होगा, साला चाइना से आए पूरे वायरस एक ही जगह आके मर जाए, हम खड़े हैं, मैं तुम्हें खड़े रहता हूं, तुम बौड़ी में डालो या यज्ञ कुंड में डालो, उसे खत्म कर दो, काम हो गया, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा आह्वान है, हम उनको आह्वान कर सकते हैं, आह्वान करने की क्रिया है तो क्यों नहीं करना चाहिए। अगर हम देश को, अपने देश को बचाना चाहते हैं तो हम उसका आह्वान करेंगे। अब तो दुर्गा सप्तशती के चंडी के उसमें पढ़ते हैं एक जगह कि रक्तबीज नाम का राक्षस था, युद्ध हो रहा था, उसको जितना काटते थे उसका एक रक्त पड़ता था तो और एक राक्षस पैदा होता था, उसका जितना रक्त पड़ा वो और एक पैदा होते गया, ऐसा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है।
तब सभी ने मिलकर माता दुर्गा या काली के आह्वान, काली को आह्वान किया, माता लक्ष्मी महालक्ष्मी महाश्री महाकाली को, तो काली के रूप में उन्होंने भद्रकाली को या काली को आह्वान किया और माता काली ने कहा कि अगर ऐसे ही राक्षस पैदा होते गए, उसको राक्षस को मार देते हैं, उसका खून गिरा और एक राक्षस पैदा हुआ और एक राक्षस, आजकल वही हो रहा है, एक वायरस दूसरे को छू लिया, दूसरे को वायरस लगा, तीसरे को लगा, तीसरे को वायरस लगा, तो ये रक्त बीज का ही दूसरा रूप है, छूने से ही आ रहा है। तो तब माता काली का आह्वान करने पर माता काली ने कहा कि उस रक्त बीज को कहाँ है वो बता दो, और अपनी जीभ इतनी लंबी कर दी कि उसका रक्त गिरते ही वो चाटने लगी, और रक्त नीचे गिरता नहीं, ना उबरता नहीं, और जीर्ण करने लगी। हमारे पास ऐसे बीमारियों को, ऐसे महामारियों को ही नष्ट करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया। हर दुर्गा सप्तशती के पाठ में हर इसे ही राक्षस कहा गया। आज हम कोरोना को भी यार राक्षस कहे तो कोई कमी नहीं, ऐसा राक्षस है हमारे संसार में, सबको मार दे रहा है। इस राक्षस की मृत्यु के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी देवी का आह्वान करना चाहिए, यह ज्ञान हमें होना चाहिए। ये तो बात सभी ने कह दी कि कोरोना वायरस आने वाला है, ज्योतिष ने कहा। कोरोना वायरस जाएगा कैसा, किसने कहा ये तो बताएं, आएगा सबने बताया, जाएगा कैसे, क्या करने से जाएगा, एक किसने बताया, या उनको मालूम नहीं कि कोरोना वायरस जाएगा कैसा, ये ज्योतिष में लिखा नहीं है, आने का लिखा हुआ है, जाने के भी तो बताना चाहिए, इसका क्या प्रत्यामनाय क्या है, क्या करना चाहिए इसके लिए। जब यह बात हमारे पास आकर रुक जाती है, तब मेरे को वराहमिहिर के जीवन की एक घटना याद आती है। वराहमिहिर एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके बारे में हम अगर कितना भी कहे तो ज्योतिष के शास्त्र में जिसकी देन हमारे देश को है, वह देन शायद ही किसी ने दी होगी। कहते हैं कि उज्जैन के 100 किलोमीटर दूरी पर एक कपित्थ नाम का ग्राम था, उसमें आदित्य दास और इंदुमती नाम की एक दंपति थी। वे सूर्य के उपासक थे, सूर्य की उपासना करते थे। उन्होंने सूर्य की उपासना बहुत दिनों तक की, ज्योतिष शास्त्र में प्रकांड पंडित थे। उन्होंने सब कुछ किया उनको कि, लेकिन उनको संतान नहीं हुई। आखिर एक दिन जब अपने आप को वृद्ध समझने लगे कि हम अब बूढ़े हो जा रहे हैं, या उनको लगा कि हम बूढ़े हो जा रहे हैं, अब संतान नहीं होगी, अब पुत्र बिना गतिर नास्ति ऐसा कहा गया है, तो हमारी गति नहीं है, तो हम इतनी सूर्य उपासना करने के बाद भी हमें गति नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। वे एक दिन संध्या समय में निर्णय कर लिया कि आज सूर्य को आखिरी अर्घ्य प्रदान करेंगे और अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। जब गति ही हमारी नहीं है तो हम जीने का क्या अर्थ रहा। उन लोगों को ही उसका दर्द मालूम है जिनको पुत्र नहीं होता या जिनको संतान नहीं होती, वो स्त्री या दंपत्ति कितने दुखी होते हैं, इसके बारे में जो मेरे पास लोग आते हैं उसको, उसके ऊपर से मुझे पता चलता है। चाहे लोग कुछ भी कहें उसके बारे में, पुत्र हो या पुत्री हो, संतान नहीं हो, तो कितने लोग दुखी होते हैं, इसके दुख को भी मैं जानता हूं, और वो भी उतने ही दुखी थे, और अपने आप को समाप्त करने के लिए क्षिप्रा नदी के तट पर जाकर अर्घ्य देने, अंतिम अर्घ्य देने के लिए दोनों ने नदी में उतरे और पहला अर्घ्य सूर्य को प्रदान किया और डुबकी लगाई। जो दूसरा अर्घ्य देने जा रहे थे तो कहा कि रुको, किसी ने आवाज़ दी, देखते हैं कि एक दिव्य ब्राह्मण नदी के किनारे खड़ा हुआ है, और वो कहा गया कि रुक जाओ, तो उन्होंने रुके और कहा कि आप ऊपर आ जाओ। आए तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान सूर्य हूँ। वो दोनों सूर्य के उपासक थे, चरणों में नमस्कार किया। तब भाई अगर आज आकर मैं अगर आपके सामने कहूँ कि मैं सूर्य हूँ, क्या गुरु जी क्या बात करते हैं, आप सूर्य है क्या, आप मरी को मालूम, आपके माँ बाप मालूम है। हम क्योंकि बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी, लेकिन वो वैसे नहीं थे। उन्होंने उनको जैसा ही कहा कि मैं सूर्य हूँ, उनके चरणों में झुक गए। उनके चरणों में झुक जाकर अगर उन्होंने कहा कि प्रभु कहो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक तुम्हें फल देता हूँ, तुम जिस संतति के कारण मर जाना चाहते हो, वो तुम्हें ऐसा दिव्य पुत्र मैं प्रदान करूँगा। तो झट से अब स्त्रियों की बुद्धि होती है, प्रभु इतनी देर क्यों लगा दी, आज तक हम इतने तड़पते रहे। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम जो आज तक उस तड़प को, उस कर्म को अनुभव करो जो तुमने गत जन्म में किया था, आज वो कर्म का पूर्ण खत्मा हो गया, पूर्ण समाप्त हो गया, और आज मैं फल देने आपके पास आ गया, मैं ये फल दे रहा हूँ, तुम इसे ले लो, तुम्हें दिव्य पुत्र की उत्पत्ति होगी। उन्होंने उसके फल लेने के बाद उनको पुत्र हुआ, और उस भगवान सूर्य ने उनको कहा कि इसको मिहिर ऐसा नाम रखो, मिहिर सूर्य को ही कहते हैं, मिहिर सूर्य को ही कहते हैं, अंधकार को नाश करने वाला, उसे मिहिर कहते हैं, उसको दे। वैसे आदित्य दास जो मिहिर के पिता कहलाने जाते थे,
वे भी बहुत बड़े आचार्य ऋतिषि के प्रकांड बनते, जैसा पुत्र हुआ, पुत्र के जो भी पंच संस्कार होते सारे संस्कारों को किया, उनका आठवें वर्ष में उपनयन संस्कार किया, लेकिन वो जान गए कि नवे वर्ष में उनके पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद मिहिर बहुत ही अपने आप में अकेले अकेले महसूस करने लगे, और वे अकेले में कभी भी जाते थे और एक जगह बैठकर उपासना करते अपने पिता की बिताई हुई सारी विद्याओं को। 12 वर्ष की आयु में ही उनमें वैराग्य की भावना आ गई और वे नदी के किनारे जाकर साधना में साधनारत रहते थे। तो उनको ये दुख हुआ कि इतने बचपन में ही माता का वैधव्य उनको देखने नहीं हुआ, और वे कहते कि मेरे पिताजी ने पिताजी ने सूर्य की आराधना की, मैं भी उसी सूर्य की आराधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी भी मृत्यु ऐसे ही होगी, मेरे जीवन में भी ऐसे कोई संकट आएंगे, अगर आएंगे तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है, इसको कौन, मुझे इसका मार्ग कैसे पता चले कि मेरे जीवन में क्या होने वाला। उन्होंने सूर्य को ही अपना गुरु माना, पिता को गुरु मानते ही थे, और सूर्य की आराधना तीव्रता से आरंभ कर दी और कहा कि आप मुझे कुछ ऐसा दो कि मैं मेरे जीवन में डरूं नहीं, मेरे जीवन को आगे का जीवन क्या है पता चले, अगर मुझे पता चले कि मैं आठवें दिन मरने वाला हूं, मैं मरने के लिए नहीं डरता, लेकिन मुझे पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं तो मुझे 8 दिन में क्या करना है ये मैं कार्य कर सकता हूं, मैं मृत्यु से नहीं डरता, नहीं मैं किसी रोग से या किसी दुर्भाग्य से नहीं डरता, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला, इसका ज्ञान मैं कैसे प्राप्त कर सकूं। उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने कहा कि देख मिहिर, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे शरीर में जो ऊर्जा निकलती है उसमें हम काल को देखते हैं, पृथ्वी पर होने वाले जन्म लेने वाले एक एक कण से लेकर मनुष्य तक और मेरे अतराफ मेरे गोल घूमने वाले ग्रह, इन सभी का ज्ञान मेरे भी गण हैं वो रखते हैं, लेकिन पृथ्वी तक पहुंचाने वाले, किसी गर्भ तक पहुंचाने वाले, किसी की भाग्य को बताने वाले या भाग्य लिखने वाले, आगे क्या होने वाला है ये जानने वाले, कौन सा वृक्ष किस दिन कटेगा, कौन सा पशु किस दिन मरेगा, इसका ज्ञान भी जानने वाले मेरे पास लोग हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पास जो देव है या जो देवांगनाएं हैं उसको जो सिद्ध करेगा वो तुम्हारे को मार्गदर्शन करते रहेगी, तुम्हारे अगले जीवन में कल क्या होने वाला है ये बताएगी। तो उन्होंने कहा कि इसका ज्ञान उस देवांगना को सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तुम्हें पहले गुरु की कृपा प्राप्त करनी होगी, और उस देवांगना को सिद्ध करने के बाद वो तुम्हें जीवन में मार्गदर्शन करेगी कि तुम्हारे जीवन में कल क्या होने वाला है, डरना नहीं कल क्या होने वाला है, या अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। उन्होंने कहा इसका डर मुझे नहीं है कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है और इस कल को मैं किस तरह बदल सकूं, अगर इसका ज्ञान मैं किसी से प्राप्त कर सकूं, अगर मुझे पता है कि कल संकट आने वाला है तो संकट के निवारण के लिए किस भगवान की प्रार्थना करूं, ये हमारे पास शास्त्र लिखा हुआ है, मैं उसको उनकी आराधना करूंगा, लेकिन संकट आने वाला है या आगे कुछ होने वाला है इसका ज्ञान मुझे हो। तब सूर्य भगवान ने कहा कि तुम इस साधना को तुम संपूर्ण करो, और उसे देवांगन साधना कहा गया है। उसने देवांगन साधना ने मिहिर ने उस साधना को संपन्न किया। वो इतने ये रहने लगे कि उनको 8 या 9 दिनों में देवांगना प्रत्यक्ष हुई और कहा कि बोलो मिहिर तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं मेरे जीवन में केवल मार्गदर्शन करो कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि मैं इस संसार में देखता हूं ये कल क्या होने वाला है यह मैं नहीं मालूम, रहने से लोग बहुत भयभीत है। अब कहें कि कल कोरोना वायरस आने वाला है तो हमें डर लग गया, हम घर में छुप गए, हम कोरोना वायरस आने पर भी मरेंगे नहीं, अगर ये हमें है तो डायरेक्ट निखिल चेतना केंद्र आ जाते थे, अगर हमें पता नहीं है तो वहां क्यों रहते थे, घर में क्यों रहते थे, हमें पता है कि निखिल चेतना केंद्र आ गए तो हम मरेंगे नहीं, हम आ गए, तो इसका ज्ञान अगर किसी को हो तो हमें उसके बारे में डर नहीं है, लेकिन हम डर के बहुत मरते हैं, कल मेरे बेटे का क्या, मेरा बेटा बाहर गया है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कल मेरा मुझे बुखार आ गया, कल मेरे को कोरोना तो नहीं आया, बाहर टेस्ट को चले जाते हैं, आजकल ऐसी परिस्थिति हो गई है बुखार भी आया नाक से सर्दी भी हो गई तो बाजू वाला कहता है इसको कोरोना है, अभी वो उससे ये आने से पहले आधा मर जाता है कि कहीं कोरोना तो नहीं आ गया, सर्दी हो गई कोरोना हो गया, बुखार आया कोरोना हो गया, सर दर्द हो गया कोरोना हो गया, अरे कहाँ तक, चलो टेस्ट को जाओ कोई बोलता है, और टेस्ट वालों में लाइन लगी हुई है कि टेस्ट करने के लिए लोगों के पास डॉक्टरों के पास समय नहीं है, डॉक्टर भी कोरोना से पीड़ित है, ऐसी स्थिति में आगे हम करें तो क्या करें, हमें किसका ज्ञान हो,
जब हमें ये मालूम हो जाए कि सारा कोरोना से हम नहीं मरेंगे तो हम बुखार आने तो कुछ भी गोली डाल के बैठ जाएंगे, लेकिन कोरोना से मरते हैं इसका डर अगर दिल में रहा तो हर स्टेप को जान कर कहेंगे घर के बाहर गए सारा कोरोना वायरस घूम रहेगा कहीं, तो भी देखो हाथ मत मत लगाओ, दीवार को हाथ मत लगाओ, स्कूटर को हाथ मत लगाओ, किसी को हाथ मत लगाओ, ये यहां से डर शुरू हो जाता है।